कंटिन्यूटी में अब कुछ महत्वपूर्ण थ्योरम है जिनको हम लोगों को समझना है। उसी क्रम में आज पहला थ्योरम कंटिन्यूटी का कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन f, यह एक फंक्शन दिया गया है जिसका डोमेन सेट ए बी क्लोज इंटरवल है और इसका को डोमेन रियल नंबर r है। तो ये जो फंक्शन है एक कंटिन्यूअस इस क्लोज इंटरवल में है, तो हमको ये दिखा देना है कि वो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा वो जिस क्लोज्ड इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है उसमें वो बाउंडेड भी होगा, यानी एक कंटिन्यूअस फंक्शन इज बाउंडेड, ये हमको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए कोई फंक्शन बाउंडेड है इसकी क्या मीनिंग है एक बार थोड़ा सा यहाँ आप समझेंगे। तो हमारा कोई एक डोमेन सेट, जैसे हमने यह ए और बी इस क्वेश्चन में दिया गया और जो यह रियल नंबर का सेट है वो हमारा आर ऐसा दिया जा रहा है, और यह एक फंक्शन एफ, यही यह क्लोज इंटरवल ए बी, अब क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल पीछे आ चुका है कि यदि कोई भी रियल लाइन है और जैसे हमने यह एक नंबर ले लिया जीरो और यह एक नंबर ले लिया वन, तो इसके बीच जीरो और वन के बीच जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सभी रियल नंबर, और जो यह जीरो है और वन है ये भी, इन सब का जो कलेक्शन होगा वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा। और इसमें जीरो और वन इसको छोड़ दें और इसके अतिरिक्त जीरो से ग्रेटर और वन से लेस ये जितने भी रियल नंबर हैं उनको जब हम लेते हैं उनका कलेक्शन तो हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। तो क्लोज्ड इंटरवल को हम स्क्वायर ब्रैकेट या जीरो और वन इससे डिनोट करते हैं, और ओपन इंटरवल को ये हम स्मॉल ब्रैकेट में हम डिनोट करते हैं जिसमें यह जीरो और वन, इसका मतलब यह एक नंबर नहीं है, यह एक सेट है। और कैसा सेट है कि जीरो तो इसमें नहीं है लेकिन जीरो से ग्रेटर और वन भी इसमें नहीं है, लेकिन वन से लेस जितने भी रियल नंबर है सभी रियल नंबर का एक कलेक्शन है। तो जब ए एंड पॉइंट जैसे जीरो और वन उस सेट में रहता है और बीच के भी सारे रियल नंबर, तब वो हमारा क्लोज्ड इंटरवल होता है, और यदि वो नहीं होता है एंड पॉइंट जीरो और वन उसके बीच के ही केवल रियल नंबर्स आते हैं तो हमारा ओपन इंटरवल है। अभी हमारा क्लोज इंटरवल दिया जा रहा है कि ए बी जो है वो क्लोज इंटरवल है, इट मीन्स ए बी इसमें है बी बी इसमें है और ए और बी के बीच में जितने रियल नंबर है वो सभी हैं। अब ये फंक्शन बाउंडेड हमको दिखाना है कि ये फंक्शन बाउंडेड कब होगा, कोई फंक्शन बाउंडेड कब हो जाता है। तो इसका मतलब इस डोमेन के जितने भी पॉइंट हैं सबका इमेज लें, जैसे हमने ए का इमेज ले लिया बी का इमेज ले लिया, इसके बीच में और जितने भी पॉइंट है सबका हम इमेज ले लें, और जो ये इमेज पॉइंट आए उन इमेज पॉइंट का कलेक्शन ही हमारा एफ का रेंज कहलाता है, वो रेंज हुआ। तो यदि रेंज ऐसा है कि वो दो नंबर ऐसे हो कि एक उसका मिनिमम और एक मैक्सिमम, इन दोनों के बीच ही जब ये सभी दो दोनों फाइनाइट नंबर हो, एक दो ऐसे फाइनाइट नंबर जिनके बीच ये सभी हमारे इमेज पॉइंट लाइक करे, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। लेकिन इसी को एक और फॉर्म में हम लिखते हैं, ये ए बी में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट का एफ इमेज लिया, यह एक एक्स नहीं है, ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन जो आपका क्लोज इंटरवल ए बी है, इसके बीच के जितने एक्स हैं उनका एफ इमेज है और इसका मॉड ले लें यानी इसकी पॉजिटिव वैल्यू, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू ले लें तब हमको डिफिनिटली एक ऐसा रियल नंबर मिले जिस रियल नंबर से इसके अंदर के जितने पॉइंट है उन सब पॉइंट का एफ इमेज का मॉड उससे लेस आ जाए, लेस आर इक्वल जो भी हो, तब हम कहेंगे एक कोई एक फाइनाइट यह रियल नंबर है जिससे लेस ये वैल्यू आ गए, तब हम कहेंगे कि ये बाउंडेड है। यानी कोई फंक्शन किसी सेट में बाउंडेड तब होगा
कि उस सेट के जितने नंबर्स हैं सबका यफ इमेज लें, और वो यफ इमेज जो आया उस यफ इमेज का मान एक आपका कोई रियल नंबर मिल जाए कि जिस रियल नंबर से ये सभी पहलू लेस ही हो, रियल नंबर में फाइनाइट होना चाहिए कि एक फाइनाइट रियल नंबर ऐसा मिल जाए जिससे लेस इसकी सभी वैल्यू हो, तब हम कहेंगे कि यह जो फंक्शन है वो यम से बाउंड हो रहा है, यानी उसके अंदर ही उसके बाहर नहीं जा रहा है, तब हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो बाउंडेड है। तो अब हमको ये दिखा देना है कि क्लोज इंटरवल यफ है और इसमें एफ जो है क्लोज इंटरवल ए बी है और जो यफ है वो कंटिन्यूस है, तो हमको ये दिखाना है कि इसके जितने भी इमेज पॉइंट होंगे यानी ए का इमेज, बी का इमेज और बीच के सारे रियल नंबर का इमेज, तो ये सभी की पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो जो वैल्यू हो वो एक फाइनाइट वैल्यू हमको मिले कि उससे सदैव ये सभी वैल्यू, केवल एक वैल्यू नहीं सभी वैल्यू हमारा उससे लेस हो जाए, तब हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा बाउंडेड है। तो ये तो बाउंडेड है ऐसा हमको दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी कुछ थ्योरम हम लोग कंटिन्यूएशन में आएगा और उसमें एक प्रोसीजर एडॉप्ट करते हैं, वो प्रोसीजर क्या है उस प्रोसीजर को आप समझें। हमको दिखाना है कि जो क्लोज इंटरवल ए बी है, इस क्लोज इंटरवल ए बी में जो फंक्शन है वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस ऐसा दिया गया, और तब हमको दिखाना है कि ये बाउंडेड है। अभी कैसे प्रूफ करेंगे, अभी तक तो जो इसमें वर्ड आए थे उसको एक बार हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके क्या मीनिंग है, जैसे क्लोज इंटरवल आया चाहे हमारा जो बाउंड हो तो उसके लिए क्या दिखाना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें आई। अब हम थ्योरम के प्रूफ पर चल रहे हैं, थ्योरम का प्रूफ यही से आपका स्टार्ट हो रहा है। अब जो ये फंक्शन यफ है, हमने सपोज कर लिया कि यह यफ बाउंडेड नहीं है, हमको दिखाना है कि यफ बाउंडेड हो जाए, तो यफ बाउंडेड हो जाए यह दिखाने के लिए हमने सपोज कर लिया कि यफ बाउंडेड नहीं है, तो जब यफ बाउंडेड नहीं है ऐसा हम लेके चले हैं तो इसके मानने से एक ऐसी चीज को पावे जो न होती हो या जो कॉन्ट्रडिक्शन हो, तब हम ये देखेंगे कि यफ को जब हमने सपोज कर लिया कि ये कंटिन्यूस है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तब एक रॉन्ग रिजल्ट हमको आ जाए, तब हम कहेंगे कि जो हमने सपोज किया वो रॉन्ग है, क्योंकि उसके सपोज करने से हमको जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट नहीं होता है, तो हम जो सपोज किया वो रॉन्ग है, तो यफ या तो बाउंडेड होगा और नहीं तो बाउंडेड नहीं होगा, तो यदि बाउंडेड नहीं है ये नहीं हुआ तो बाउंडेड हो जाएगा, ये हमारा प्रोसीजर है। अब इसको क्या कर ले, F आपका बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जितने इमेज हैं उन सभी इमेज के लिए कोई फाइनाइट वैल्यू ऐसा नहीं मिल रहा है जिससे सबकी वैल्यू लेस आवे, क्योंकि सबकी वैल्यू A और B के बीच जितने पॉइंट हैं सबका यफ इमेज रहे और वो सब यदि एक फाइनाइट वैल्यू से लेस हो जाए तब तो यफ बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन यफ बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा है जिसका यफ इमेज इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि यदि वो इनफाइनाइट हो गया तभी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं मिला जिससे लेस हो, और चूंकि सेट के सारे एलिमेंट का यफ इमेज एक फाइनाइट वैल्यू से लेस रहेगा तभी वो बाउंडेड होगा, एक भी यदि इनफाइनाइट को चला गया तब हमारा बाउंडेड नहीं हुआ। तो अब हमने सपोज किया कि यफ बाउंडेड नहीं है, तो यफ बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक पॉइंट कम से कम तो है कि जिसका यफ इमेज इनफाइनाइट को चला गया यानी जिसमें वो बाउंडेड नहीं हुआ। तो अब हम क्या करें कि यह जो ए बी है इसको दो पार्ट में डिवाइड करें, दो पार्ट का मतलब इसका मिडल पॉइंट को हमने सपोज कर लिया सी, सी जो लिया वो ए बी का मिडल पॉइंट, ए और बी इसके बीच का जितना लेंथ है, तो उस जैसे हमारा जीरो था और वन था तो इसके बीच का लेंथ वन हो गया, तो वन का हाफ
यानी इसका हाफ कर दे, यदि टू और थ्री रहता तो इसका हाफ हमारा टू और थ्री का तो 2.5 ऐसा मिल जाता। तो ये ए और बी के बीच का जितना भी लेंथ है इस लेंथ का हाफ कर ले, यानी इसका मिडल पॉइंट ले लें और उस मिडल पॉइंट को हमने कह दिया सी। तो सी हमारा वो पॉइंट है जिस पॉइंट की वैल्यू ए और बी दोनों से इक्वल है, यानी वो मिडल पॉइंट है। अब आप क्या करो कि जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक आपका सी से बी तक एक पार्ट और एक आपका ए से सी तक, ये दो पार्ट में हमने कर लिया, यह दो पार्ट में कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि चूंकि हमने सपोज किया है कि एफ बाउंडेड नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट आ जा रहा है जिसका एफ इमेज इनफाइनाइट को चला जा रहा है, तो वो पॉइंट देखेंगे कि इस सी और बी के बीच में वो है या ए और सी के बीच में है। तो जिसके बीच का वो पॉइंट है जिसका एफ इमेज इनफाइनाइट को चला जा रहा है या जिसके कारण एफ बाउंड नहीं हो पा रहा है, यदि आपका जिसमें है यदि ए और बी के बीच होगा तो इसको ए वन बी वन कह देंगे, और यदि C और B के बीच होगा तो C और B को A1 B1 कहेंगे, यानी A1 B1 उस पार्ट को लेंगे जिसमें हमारा यफ बाउंडेड नहीं है। तो जब यफ बाउंडेड नहीं है तो उसको हमने कह दिया A1 B1, और A1 B1 बाउंडेड उसमें यफ नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके बीच के सभी पॉइंट का यफ इमेज एक फाइनाइट वैल्यू से लेस नहीं है। तो अब हमने लिया A1 और B1, तो A1 B1 क्या हुआ, A1 B1 क्या हुआ कि AB को दो पार्ट में डिवाइड किया, और दो पार्ट में डिवाइड किया यानी C को मिडल पॉइंट लिया, और जो जिस पार्ट में यह बाउंडेड नहीं है उसी को हमने A1 B1 कहा। तो यह है A1 B1 वो पार्ट हो गया। अब इसको हम आपको पहले केवल समझा दे रहे हैं पूरा थ्योरम कि क्या है, तो यह A1 B1 आ गया। अब आप देखेंगे कि जो A1 B1 है, A1 B1 इन्हीं में से कोई ना कोई एक A1 B1 है। सपोज कर लो कि यदि यही A1 B1 हो जाए, ये किसी को ले सकते हैं लेकिन उसी को लेंगे जिसमें यह बाउंडेड नहीं। तो यह A1 B1 जो होगा वो टोटल AB का सबसेट हो जाएगा, तो यह A1 B1 सबसेट ऑफ AB का सबसेट हो गया। फिर आप देखेंगे कि लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ A1 B1 इज इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ AB, या टोटल AB का जो लेंथ है उसी का हाफ हमने लिया A1 B1। तो ये हमने A1 B1 ले लिया। और फिर तीसरा पार्ट हमको ये मिलेगा कि A1 B1 इज इंटरवल इन विच F इज नॉट बाउंडेड। तीन पार्ट यहां हमने पाया, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आपने इतना लिखा लेकिन एक्चुअली आपने किया क्या उस बात को समझ लें। ए बी हमारा क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें दिखाना है कि एफ बाउंडेड हो जाए, एफ बाउंडेड नहीं है ऐसा हमने सपोज कर लिया। तो जब यफ बाउंडेड होता तो ए बी के बीच जितने भी पॉइंट है सबका यफ इमेज एक फाइनाइट वैल्यू से लेस आता, लेकिन यह यफ बाउंडेड नहीं है तो कम से कम इसमें एक पॉइंट ऐसा जरूर है जिसका यफ इमेज हमारा इनफाइनाइट को चला जा रहा है। अब हम क्या करें कि यह ए और बी का मिडल पॉइंट ले लें सी, तो हमारा यह सी और बी और ए और सी ये दोनों इक्वल लेंथ के हो। अब हम देखेंगे कि जिसमें वो पॉइंट है जिसका कि यफ इमेज इनफाइनाइट को दे रहा है, जिससे यफ बाउंडेड नहीं हो पा रहा है,
वो किस में है, या ए सी में है कि सी बी में है। तो जिसमें भी होगा उसको हम ए वन बी वन कहेंगे। तो जो यह ए वन बी वन होगा वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला कि यह ए वन बी वन टोटल ए बी का सबसेट हो जाएगा, यानी ये टोटल का हाफ एलिमेंट इसमें है, हाफ एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा ए वन बी वन ए बी का सबसेट हो गया। और फिर दूसरा क्या, चूंकि सी मिडल पॉइंट है तो इस सी बी हो चाहे ए सी हो, जो भी ए वन बी वन हो, तो इसका लेंथ टोटल लेंथ का हाफ हो गया। तो वही लेंथ ऑफ ए वन बी वन इक्वल टू हाफ लेंथ ऑफ ए बी, ऐसा आ गया। और तीसरा है कि ए वन बी वन वो इंटरवल, ए वन बी वन उसको कहा जिसमें ये हमारा बाउंडेड नहीं हुआ। ये तीन चीजें आई। फिर सपोज कर लिया कि इसी को हमने ए वन बी वन कहा, ए वन बी वन, यदि इसको ए वन बी वन कहेंगे तो अब इसको लेंगे, और फिर जो ए वन बी वन हुआ उसका फिर हाफ पार्ट लो, इसका फिर मिडल पार्ट, इसका फिर हमने मिडल पॉइंट लिया, इसको हमने सी वन कह दिया, सी वन ये मिडल पॉइंट। अब आप देखेंगे कि जो पॉइंट जिस पर यह इनफाइनाइट हो गया, जिसके कारण यह बाउंडेड नहीं हुआ, वो आपका इस सी वन बी वन में है कि ए वन सी वन में है, किसमें है? तो जिसमें भी रहेगा किसी न किसी एक में तो रहेगा, तो जिसमें है उसको अब ए टू बी टू कहेंगे, उसको हमने ए टू बी टू कहा। तो अब ए टू बी टू फिर तीन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा कि ए टू बी टू जो होगा वो ए वन बी वन का सबसेट होगा, क्योंकि ए टू बी टू वो हुआ जो आपका ए वन बी वन का मिडल पॉइंट सी वन है, इस सी वन के पहले वाला इंटरवल या सी वन और बी वन के बीच वाला इंटरवल, उसी को ए टू बी टू उसको कहेंगे जिसमें यह बाउंडेड नहीं है। तो अब जिसमें यह बाउंडेड नहीं है उसको हमने कह दिया ए टू बी टू। तो वह ए टू बी टू फिर तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्या कि ए टू बी टू ए वन बी वन का सबसेट होगा, और यह ए वन बी वन ए बी का सबसेट होगा, ये पहला कंडीशन। तब हम फिर देखेंगे कि यह जो ए टू बी टू हुआ वो आपका सबसेट हुआ, सबसेट हुआ ए वन बी वन का, और यह ए वन बी वन सबसेट हुआ ए बी का। और फिर ये जैसे फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, और फिर इसी का हम फर्स्ट सेकंड करेंगे, ये सेकंड स्टेप का, फिर ये फर्स्ट और फिर यह सेकंड। इसमें सेकंड क्या हुआ, यह जो ए टू बी टू हुआ, ए टू बी टू उसका लेंथ हाफ ए वन बी वन, और ए वन बी वन का लेंथ हाफ ए बी, यानी यह ए टू बी टू जो हुआ वो टोटल ए बी का वन बाई फोर हो गया। तो इसी को लिखेंगे कि लेंथ ऑफ ए टू बी टू इज इक्वल टू वन बाई टू का स्क्वायर। टू का स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक बार ए वन बी वन जो हुआ वो ए बी का हाफ, और ए टू बी टू हुआ वो ए बी का फिर हाफ, तो हाफ इंटू हाफ वन बाई फोर, चाहे उसी को वन बाई टू का स्क्वायर। लेंथ हाफ ए बी या टोटल ए बी का वन बाई टू का स्क्वायर हो गया, और ए टू बी टू उस पार्ट को कहा ए टू बी टू इज इंटरवल, इज इंटरवल इन विच एफ इज नॉट बाउंडेड। वो इंटरवल हुआ जिसमें यह बाउंडेड नहीं हुआ। अब इसी प्रोसीजर को हम बढ़ाते जाएंगे, एन टाइम्स करेंगे, यानी फिर क्या कि जैसे यदि ए वन बी वन हुआ, इसका मिडल पॉइंट सी वन लिया, यदि इस इंटरवल में या इस इंटरवल में जिसमें भी वो पॉइंट पॉइंट हुआ उसको हमने कह दिया कि वह ए टू बी टू है। तो जैसे यदि हमारा यही इंटरवल हो जाए तो इसको हमने ए टू बी टू ऐसा कह दिया, और फिर क्या करेंगे कि ए टू बी टू का फिर मिडल पॉइंट लेंगे। अब इस ए टू बी यानी टोटल देखें, यह ए बी
इसका मिडल पॉइंट लिया सी सी, और जिसमें एफ बाउंडेड वैल्यू हुआ उसको हमने कह दिया वह ए वन और बी वन, ये पार्ट हो गया। फिर इसके बाद ए वन बी वन का फिर मिडल पॉइंट लिया और इसको हमने कहा सी टू। अब वो पॉइंट जिसमें एफ बाउंडेड हो जा रहा है वो जिसमें जाए उसको हमने कह दिया ए टू बी टू, यानी अब यदि ये इंटरवल हो कि जिसमें हमारा ए बाउंडेड नहीं हुआ तो उसी को हमने कह दिया ए टू बी टू। फिर इसका मिडल पॉइंट लिया उसको हमने कहा सी टू, और तब देखे कि जो यह सी टू और बी टू है और ए टू और सी टू है तो किसमें वो पॉइंट है जो इनफाइनाइट को दे दिया जिसके वजह से बाउंडेड नहीं है, तब उसको हम फिर ए थ्री बी थ्री ऐसा कहते जाएंगे। यानी हर बार उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और जिस पार्ट में एफ बाउंडेड नहीं है तो पहली बार जब किया तो उसको ए वन बी वन का, दूसरी बार जब करेंगे तो ए टू बी टू, तीसरी बार ए थ्री बी थ्री, और यनवे बार एन टाइम्स करेंगे तो वो हम कहेंगे वह ए एन बी ए, ये पार्ट। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो भी है ये इंटरवल जैसे ए वन बी वन हुआ तो अब जिसका वो हाफ है उसका सबसेट हो गया, फिर इसका ए टू बी टू है तो ए वन बी वन का हाफ है तो ये इसका सबसेट हो गया, फिर इसको दो पार्ट में करेंगे तो ये दो पार्ट पढ़ते जाएंगे तो जो होगा वो सब अपने से ऊपर सब में बिलोंग करेगा। यानी ए टू बी टू ए वन बी वन में होगा, ए वन बी वन ए बी में होगा, इसके नीचे ए थ्री बी थ्री रहेगा वो अपने ऊपर आएगा। तो इस तरह से ए एन बी एन जब यह करेंगे तो ये आपका ए टू बी टू, यह ए वन बी वन, और फिर यह ए बी इसमें बिलोंग करेगा। ये पार्ट हमको पहला, हर बार जब इस प्रोसीजर को कर रहे हैं तो तीन चीजें हमको मिल रही हैं कि जो इंटरवल हुआ वो इंटरवल अपने के ऊपर के सब में बिलोंग करेगा, वो चीज हमने लिखा। और दूसरा क्या हुआ कि जब एक बार इसको हमने पार किया तो टोटल लेंथ का 1/2 ये हुआ, 1/2 टोटल लेंथ का 1/2। लेकिन जब इसको दूसरी बार किया जब यह ए टू बी टू आया तब टोटल का 1/2 का स्क्वायर। तो जब यह एन बार करेंगे तो देखो ये 1 है तो इसका जो लेंथ आया 1 है तो 2^1, जब यह 2 है तो 1/2 का स्क्वायर, और जब एन बार करेंगे तब यह ए एन बी एन यानी लेंथ लेंथ ऑफ ए एन बी एन इज इक्वल टू 1/2 टू दी पावर एन, और लेंथ ऑफ ए बी ये टोटल का 1/2 टू दी पावर एन, जितनी बार करेंगे उतनी बार 1/2 आता जाएगा। अब वैसे ए एन बी एन आपका कौन सा पार्ट हुआ, ए एन बी एन आपका इज द इंटरवल इन विच एफ इज नॉट बाउंडेड, ये हमारा एफ बाउंडेड नहीं है वो हमारा ये इंटरवल हो गया। तो इस प्रोसीजर में देखिए अभी इस रिजल्ट का हम लोगों ने एक पार्ट किया, इस पार्ट को लिखा इतना गया, लेकिन ध्यान सिर्फ इतना देना है कि हमने ए बी में सपोज किया कि एफ बाउंडेड नहीं है, फिर तब उसको एक मिडल पॉइंट लिया, और जब मिडल पॉइंट लिया तब हम देखे कि अब इन दोनों जो इंटरवल होगा उसमें किसमें एफ बाउंडेड नहीं है, तो जिसमें एफ बाउंडेड नहीं है उसको हमने कह दिया ए वन बी वन। तो यानी ए वन बी वन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यह ए वन बी वन टोटल ए बी का सबसेट होगा, और यह ए वन बी वन का जो लेंथ होगा वो टोटल ए बी का हाफ होगा, और ए वन बी वन तीसरा कंडीशन की वो इंटरवल है जिसमें यह बाउंडेड नहीं है। फिर इसको दो पार्ट में किया तो उसको जिसमें एफ बाउंडेड नहीं हुआ उसको हमने ए टू बी टू का,
और वो ए टू बी टू ए वन बी वन का हाफ हुआ और ए वन बी वन ए बी का हाफ हुआ, यानी टोटल ए टू बी टू वन बाई टू का स्क्वायर लेंथ ऑफ ए बी ऐसा आ गया। और ए टू बी टू ए वन बी वन का सबसेट, ए वन बी वन ए बी का सबसेट, इसी प्रोसीजर को एन टाइम हमने किया तब हमको ए एन बी एन आया और ए एन बी एन अपने ऊपर के सब में बिलोंग करेगा और ए एन बी एन का जो लेंथ होगा टोटल ए बी का वन बाई टू टू द पावर एन, यह लेंथ आ जाएगा। और ए एन बी एन वो इंटरवल है जिस इंटरवल में हमारा एफ जो है वो बाउंडेड नहीं है, वो इंटरवल हुआ। तो इतने को फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ऐसे समझा। अब हमको ये करना है कि जो ये पार्ट है ए एन बी एन को हमने पहले ए बी को वन पार्ट में किया, टू पार्ट में किया, थ्री पार्ट में किया, ऐसे यन पार्ट में किया, यही प्रोसीजर यदि इनफाइनाइट टाइम तक करें तो हमको क्या मिलेगा, तो उसी को नेक्स्ट प्रोसीजर में। तो अब ये वर्क हमने क्या किया कि ये देखें कि जब इसको इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे, तो जब इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे तो यह ए एन बी एन इसका जो लेंथ है, यह लेंथ ए एन बी एन ये है वन बाई टू टू दी पावर एन लेंथ आप ए बी, टोटल ए बी का जो लेंथ है उसका वन बाई टू टू दी पावर एन है। यानी पहली बार जब किया, एक बार उसको जब बांटा और दो पार्ट हुआ तो वन बाई टू, जब दो बार किया तब वन बाई टू का स्क्वायर, थ्री बार करेंगे तो वन बाई टू का क्यूब, एन बार किया तो वन बाई टू टू दी पावर एन, और जब यह इनफाइनाइट करेंगे तो वन बाई टू टू दी पावर इनफाइनाइट। तो टू टू दी पावर इनफाइनाइट का मतलब डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, और ये वैल्यू हमको जीरो को टेंड कर दे। तो ये प्रोसीजर यदि हम इनफाइनाइट तक करें तो जो ये लेंथ है वो लेंथ हमारा क्या हो गया, जीरो। अब आप देखें यह ए एन और बी एन ये वैल्यू है, इसका लेंथ जीरो तब हो जाएगा जब ए एन और बी एन दोनों एक पॉइंट पर कोइंसाइड करें। जब एक पॉइंट पर, जैसे हमारा यह ए और बी ये मिडल पॉइंट हो गया, इसका हमने किया फिर ये मिडल पॉइंट हो गया, और जब ये तो ये टोटल का जो लेंथ है यही पहली बार हाफ, दूसरी बार टोटल का वन बाई फोर, तीसरी बार करेंगे वन बाई एट, इस तरह से जब इनफाइनाइट करेंगे तब उसके बीच का जो लेंथ होगा वो लेंथ जीरो हो जाएगा। और जीरो तभी होगा जब इसका लोअर एंड और अपर लेंथ ये दोनों हमारा जो है वो एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए। तो जब एक पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाएगा तब जिस पॉइंट पर कोइंसाइड किया उसी को हमने कह दिया लैम्डा। यानी लैम्डा क्या हुआ कि जब इस पार्ट को हम करते जा रहे हैं, एन बार किया, एन प्लस वन बार किया, एन प्लस टू बार किया, एंड सो ऑन करते करते इनफाइनाइट टाइम किया, तो जब इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे तो जो इंटरवल क्रमशः छोटा होता जा रहा है, तो जब इनफाइनाइट टाइम तब करेंगे तो उसके बीच का इंटरवल जो होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से जो लेंथ हुआ ये इनफाइनाइट करेंगे तो ये हमको जीरो दे देगा, और इसका इंटरवल जीरो तब होगा, यानी इसका जो लेंथ जीरो तब होगा जब यह ए एन और बी एन दोनों एक पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। तो यानी यह ए एन टेंस टू बी एन और टेंस टू एक कोई पॉइंट उस पर जिस पे किया उसको हमने कह दिया लेंथ। यानी ये दोनों जब एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे ए उसको हमने कह दिया लैम्डा, तब हमारा ए एन भी इसी पे आ गया, बी एन भी इसी पे आ गया, तब हमारा उसके एक ही पॉइंट रहा तो उसके बीच का हमारा इंटरवल जो होगा वो जीरो हो जाए, लेंथ जो होगा जीरो होगा। यदि वो दो पॉइंट रहा तो चाहे जितना भी कम लेंथ क्यों ना हो, जैसे हम सपोज कर लें कि वन बाई थाउजेंड है, ये वन बाई हमारा ऐसे आप लेते जाए तो जो भी लेंगे यदि यह इंटरवल जितना भी छोटा करें तो इसके और इसके बीच का डिफरेंस कुछ मिलेगा तो जीरो नहीं हो, वो जीरो तभी पॉसिबल है जबकि लोअर और अपर दोनों एंड जो है एक पॉइंट पे कोइंसाइड करें। तो ये जिस पॉइंट पे कोइंसाइड किया उसी को हमने कह दिया लैम्डा।
अब यहाँ जो तीन कंडीशन है वो तीन कंडीशन में क्या है, ये आप ए और बी को जब दो पार्ट में किया तो जो ए वन बी वन हुआ वो ए वन बी वन इस ए बी का सबसेट है, जब इसको दो बार किया तो ए टू बी टू जो हुआ वो ए टू बी टू ए वन बी वन का सबसेट है, ए वन बी वन ए बी का सबसेट है। यदि ए टू बी टू को फिर दो पार्ट में करें ए थ्री बी थ्री हो तो वो अपने का ए थ्री बी थ्री ए टू बी टू का सबसेट होगा, ए टू बी टू ए वन बी वन का सबसेट होगा, ए वन बी वन ए बी का सबसेट होगा। तो इसी को पार्ट करते करते हम इनफाइनाइट टाइम आए, तो इनफाइनाइट टाइम तक आया तो हमको केवल एक पॉइंट मिल गया लैम्डा। इसका मतलब जितनी बार भी हम कर रहे हैं तो जो छोटा होता जा रहा वो अपने के ऊपर के सब में है, जैसे यह ए टू बी टू है तो अपने के ऊपर ए वन बी वन में है, ए वन बी वन ए बी में है। तो जब इनफाइनाइट किया आई एक पॉइंट हमको लैम्डा मिला, इसका मतलब लैम्डा अपने के ऊपर के सब में आएगा, तो यह लैम्डा जो होगा वो आपका एक क्रमशः ऊपर होते हुए लैम्डा और लास्ट में आपका यह ए बी में आ जाएगा, ए बी में आ जाएगा, ठीक है ये। तो अभी एक बार डिवाइड किया तो तीन रिजल्ट, ए वन बी वन ए बी का सबसेट, लेंथ ऑफ ए वन बी वन हाफ लेंथ ऑफ ए बी, ए वन बी वन वो पार्ट है जिसमें यह बाउंडेड नहीं है, इसी को टू टाइम किया, थ्री टाइम किया, यन टाइम किया और एट लास्ट इनफाइनाइट टाइम तक किया। तो जब इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे तब उसका जो लेंथ होगा वो जीरो हो जाएगा, और जब जीरो होगा तो लोअर और अपर दोनों जो वैल्यूज हैं वो एक ही पॉइंट पे कंसाइड कर जाएगा, एक पॉइंट होगा। तो चूंकि हर बार जब हम सबसेट कर रहे हैं तो अपने से ऊपर वाले में बिलोंग कर रहा है, इसलिए इनफाइनाइट टाइम तक करेंगे तो जो लैम्डा हमको मिलेगा वो लैम्डा भी अपने के ऊपर सब में बिलोंग कर रहा है। तो एक पॉइंट हमने पाया लैम्डा और वो ए बी में बिलोंग कर रहा है, लेकिन यह लैम्डा किस तरह का पॉइंट है कि ए वन बी वन को ए बी को इनफाइनाइट टाइम तक पहले एक बार डिवाइड किया, फिर दो बार किया, तीन बार किया, यन बार किया, इनफाइनाइट टाइम तक किया, तब हमको एक पॉइंट मिला लैम्डा और सब अपने के ऊपर में है तो यह लैम्डा भी ए बी में बिलोंग करेगा। अब आप देखिए कि जो एफ है वो दिया गया कि यह कंटिन्यूअस है, एफ को क्वेश्चन में दिया गया कि कंटिन्यूअस है, तो जो एफ कंटिन्यूअस है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, इसका मतलब जब ये कहता कि यह कोई एक पॉइंट कहा जाता कि उस पर कंटिन्यूअस है तब तो उसकी बात होती, लेकिन ये पॉइंट नहीं कहा जा रहा है, पूरे क्लोज इंटरवल में वो कंटिन्यूअस है। तो पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस तब कहा जाएगा जबकि इसके हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस हो। तो चूंकि यह लैम्डा भी इसी में आया है, इनफाइनाइट टाइम तक जब डिवाइड किया लेंथ जीरो आ गया और दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया, तो जिस पर कोइंसाइड किया उसी को कहा लैम्डा। तो ये लैम्डा ए बी का एक पॉइंट है और ए बी के हर पॉइंट पर ही कंटिन्यूअस है, इसलिए लैम्डा भी इसका पॉइंट है, तो लैम्डा पर भी वो कंटिन्यूअस होगा। तो सिंस एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, दिस इंप्लाइज एफ इज कंटिन्यूअस एट लैम्डा बिलोंग टू क्लोज इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पर है और लैम्डा इसी में बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये लैम्डा जो है वो इसी में बिलोंग करेगा तो इस पर भी कंटिन्यूअस होगा। अब हम देखें कि कोई भी फंक्शन है, कोई एक फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, यानी जब हम ऐसा लेते हैं तो यह लैम्डा एक पॉइंट पर आ गया और इस पर यह कंटिन्यूअस है, इससे आपको क्या मिला, इस लैम्डा का एफ लैम्डा यहाँ ले, जब ए रहता था तो ए तो यहाँ यफ ए, तो लैम्डा का यफ लैम्डा यहाँ ले और यहाँ कोई एक डिस्टेंस ले जिसको हम एप्साइलन से डिनोट कर रहे हैं, तो यह लैम्डा पर एक डिस्टेंस डिफिनिटली मिलेगा जिसको हम लोग डेल कहते हैं, कि ऐसे जितने यक्स जिनका डिस्टेंस इस लैम्डा से डेल से लेस होगा उन सबका एफ एक्स और एफ लैम्डा इसका डिफरेंस एप्साइलन से लेस होगा, ठीक है ये। तो एफ कंटिन्यूअस जब दिखाना रहता तब
तब हम देखते कि यहाँ कोई डिस्टेंस ले और ऐसा डिस्टेंस मिल रहा है क्या, लेकिन यहाँ दिखाना नहीं है, यहाँ ये दिया जा रहा है कि यह कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो कोई यहाँ डिस्टेंस लेंगे तो यहाँ एक डिस्टेंस ऐसा जरूर मिलेगा कि ऐसे जितने भी यक्स जिनका लैम्डा और यक्स के बीच का डिफरेंस इस डेल सेलेस होगा, उन सबका एफ एक्स और यफ लैम्डा एप्सिलॉन सेलेस होगा। तो उसी चीज को लिखे, तो फॉर देयरफॉर फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट व्हेन एक्स बिलोंग्स टू या एक्स माइनस लैम्डा लेस देन डेल, दिस इंप्लाई एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा लेस देन एप्साइलन। ये चीज हमको मिल जाएगी। एफ क्लोज इंटरवल एबी में कंटिन्यूअस है, इसलिए इसके हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लैम्डा इसी का एक पॉइंट है तो लैम्डा पर भी कंटिन्यूअस है, और लैम्डा पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा कि कोई एप्साइलन ले तो एक डेल हमको जरूर मिलेगा। कि इस डेल की प्रॉपर्टी होगी कि ऐसे जितने भी एक्स जिनका इस डेल से डिस्टेंस लेस होगा उन सबका एफ एक्स और एफ लैम्डा इसका डिस्टेंस एप्साइलन से लेस होगा। तो ये चीज हम लोगों को एफ कंटिन्यूअस है उससे हमको मिल गया, इसको हमने वन कह दिया, ये हमने वन ले लिया। एफ लैम्डा पर कंटिन्यूअस है तो इसको कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ऐसा हमने कह दिया। अब आप देखें कि एक वर्क जो अभी हम लोगों ने यहाँ से पाया है उसी से एक रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ ये यह देखा जाए कि एफ जो है वो कंटिन्यूअस था तो ये हमको कंडीशन मिल गया। अब आप आइए यहाँ देखें जो कंडीशन हम लोगों ने लिया है कि जब ऐसे जितने क्वांटिटी एक्स माइनस लैम्डा है जो है एक्स माइनस लैम्डा, तो यक्स माइनस लैम्डा का मतलब क्या हुआ कि यह यक्स जो है ये यक्स लैम्डा से डेल डिस्टेंस पर और लैम्डा से डेल डिस्टेंस बाद इसके बीच का है, यानी ये आपका जो लैम्डा है ये यक्स है वो आपका लैम्डा से डेल डिस्टेंस, यानी यह लैम्डा है और इससे डेल डिस्टेंस पहले और यह लैम्डा से यह डेल डिस्टेंस बाद इसी के बीच का यह एक्स है और यह लैम्डा आपका ए बी में है, लैम्डा आपका ए बी में। तब आप क्या कर लो, इसी चीज को लास्ट वर्क है, ये यह ए और बी है, इसी को हमने दो पार्ट किया तो ए वन बी वन आया, फिर दो पार्ट किया ए टू बी टू आया, और जो यह ए वन बी वन हुआ ए बी में बिलोंग किया, ए टू बी टू ए वन बी वन में भी बिलोंग किया ए बी में भी बिलोंग किया, इस तरह से इसको करते आए। और जब इसको इनफाइनाइट तक ये पार्ट हम करते आएंगे तब जब ए और बी ये दोनों एक पॉइंट पे कंसाइड कर जाएगा तो वही हमारा लैम्डा है, यह लैम्डा है। अब यह लैम्डा से डेल डिस्टेंस पहले और लैम्डा से डेल डिस्टेंस बाद ये हमने इंटरवल लिया। तब आप क्या करो कि यह जो ए एन बी एन है ए एन और बी एन ए इंटरवल ए एन बी एन कब मिला है, जब ए बी को एक बार किया तब ए वन बी वन आया, ए बी को दो बार किया तो ए टू बी टू आया, एन बार किया तब हमारा ए एन बी एन आया। अब इसको आपने देखा कि इसको जब और छोटा करते जाएं और इनफाइनाइट तक जब इसको करेंगे तब ये दोनों एक पॉइंट पे कंसाइड कर गया जिसको हमने लैम्डा कहा। तो अब आप क्या करें कि जो जो लैम्डा है इस लैम्डा से पहले और लैम्डा के बाद इसके बीच का जो डिस्टेंस है इसको जब इनफाइनाइट तक किया तो ये दोनों एक पॉइंट पे हो गया। अब हम क्या करें कि और इसके बीच की वैल्यू ये जो इंटरवल है इसके बीच का लेंथ जो है वो टू डेल से कम है, तो ये अब आप इसको क्या कर लो कि इंटरवल को
फिर पार्ट को बढ़ाते जाओ, तो जब पार्ट को बढ़ाते जाएंगे तो इसके बीच का लेंथ कम होता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक कर देंगे, तब ये दोनों एक पॉइंट पे आ गए और एम एल लैम्डा हो गया। अब आप क्या करो कि इसी को ये जब फॉर्म करते हुए आया और इनफाइनाइट पर यह एक पॉइंट पर कंसाइड किया, तो जब इसका लेंथ कम होते होते इसके बीच में आवे, और जरूर आएगा क्योंकि जब यह लेंथ आपका कम हुआ और इनफाइनाइट जब बार किया तब एक पॉइंट आ गया, लेकिन ये इनफाइनाइट तक न करें, इतना करें। अब जैसे इसको हमने किया तो ये लेंथ हमारा इतना है, इसको फिर दो पार्ट किया तो लेंथ हमारा पहले से हाफ हो गया, फिर इसको दो पार्ट किया लेंथ पहले से हाफ हो गया, तो ये लेंथ क्रमशः कम होता जा रहा है। तो इतना लेंथ जब बच जाए कि उसके बीच का लेंथ लैम्डा से जो डेल डिस्टेंस इधर है और डेल डिस्टेंस इधर है उसके बीच में आ जाए, यानी और जब डिवाइड करेंगे और पार्ट तक जब करेंगे इनफाइनाइट तक करेंगे तब ये दोनों एक पॉइंट पे आएगा। तो ये दोनों एक पॉइंट पे आवे वो इनफाइनाइट पर आएगा, उससे पहले ही आप जब ये इसके बीच में ये इंटरवल आ जाए तो वहीं आप रोक रहे हैं, और उसको हमने कह दिया ए एम बी एम, यानी ए एम बी एम आपको ए एन बी एन को और पार्ट हम करते गए, तो जब करते जाएंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस हर बार हाफ होता जाएगा, और हाफ होते होते इनफाइनाइट पर करेंगे तो ये लैम्डा आएगा, लेकिन इनफाइनाइट पर ना ये इसके बीच का डिस्टेंस कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है, जब लैम्डा से जो ये डिस्टेंस है उससे जब कम आ जाए और वो अभी इनफाइनाइट तक न जाए एम बार करें, और तब इसका लेंथ जो आवे इसके लेंथ के बीच में जब आ जाए तो यहीं आप रोक दें, अब इसको इनफाइनाइट तक न ले जाए। तो यानी यह ए एम बी एम इसके बीच में बिलोंग करने वाला एक इंटरवल आपको मिल जाएगा। इंटरवल क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसको तो कम करते करते इनफाइनाइट तक किए तो इसके बीच का जीरो आ गया, एक पॉइंट मिल गया। तो इनफाइनाइट से पहले ही ये जब इसका लेंथ अभी ये जीरो न हो, इसके बीच का लेंथ कुछ बचा रहे लेकिन उतना बचा रहे कि इसके बीच में वो आ जाए, तब हम इसी को कह दिया ए एम बी एम। ए एम बी एम तो ए एम बी एम क्या हुआ कि जब ए बी को वन टाइम डिवाइड किया तब ए वन बी वन हुआ, टू टाइम किया ए टू बी टू हुआ, थ्री टाइम किया ए थ्री बी थ्री हुआ, डॉट 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 वन टाइम किया ए एन बी एन हुआ, और फिर उसको एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री टाइम करते जाए, और जब इसका लेंथ दोनों के बीच का इतना रह जाए कि ये जो लैम्डा से डेल डिस्टेंस यानी टू लैम्डा से कम जब वो आ जाए तो उसी को रोक दें। अब इनफाइनाइट तब जब इसको फिर करते जाएंगे तब दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जीरो होगा, तो अभी जीरो न जाए लेकिन जो इसके अंदर आ जाए तो वही आप रोक दें, उसी को ए एम बी एम कहा। तो ए एम बी एम आपको इसको एन के बाद और डिवाइड किया और यम बार करने पर यह ए एम बी एम आपका ऐसा आया कि यह ए एम बी एम आपका कंटेन कर जाए ए एन बी एन, इसमें कंटेन कर, और ये जब कंटेन करेगा तो फिर ये लास्ट आपका आगे जब करेंगे तो ए एन बी एन आपका यह ए टू बी टू ए एन ए वन बी वन और यह ए बी ऐसा आ गया, इसमें ये कंटेंट हो गया, कंटेंट हो गया। तो यह ए एम बी एम है, लेकिन ए एम बी एम दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, एक यह ए एम बी एम ये अपने के ऊपर के सब में बिलोंग कर रहा है, और दूसरा यह ए एम बी एम जो यह लैम्डा है इस लैम्डा से डेल डिस्टेंस पहले और डेल डिस्टेंस इसके बीच में भी बिलोंग कर रहा है, यानी यह ए एम बी एम ए आपका वो पार्ट है जो लैम्डा से डेल डिस्टेंस पहले और लैम्डा से डेल डिस्टेंस बाद इसके बीच में भी वो बिलोंग कर रहा है, इसमें वो बिलोंग कर गया। ये जब तक लेंथ इस डेल से अधिक था तो उसको ए एम बी एम नहीं कहा,
अब जब दो बार करेंगे तो इसका लेंथ पहले से हर आधा हो गया, फिर करेंगे तो लेंथ आधा हो गया। तो अब लेंथ जब इतना आवे कि इन दोनों के बीच के लेंथ से कम हो जाए और इन फाइनाइट पर यह केवल एक पॉइंट आ जाए, तो इन फाइनाइट तक न जाए, जब इससे कम आवे उसी पर रोक दिया, उसको कह दिया एएमबीएम। तो यह एएमबीएम आपका ये लैम्डा माइनस डेल और लैम्डा प्लस डेल इसके बीच में जब आ गया तो वही हमने इसको रोक दिया। तो इस तरह से एएमबीएम ये मिला कैसे, ए वन बी वन को पार्ट किया, ए टू बी टू को पार्ट किया, ऐसे करते एम टाइम किया तब हमको मिला। और इसके बीच का इंटरवल उतना हो कि इन दोनों के बीच के इंटरवल से कम आ जाए, यानी इसमें बिलोंग कर जाए, तब हमारा यह आ गया। ठीक है, ये अब आप ये देखेंगे कि इस ए एम बी एम के बीच के जितने भी पॉइंट हैं, ए एम बी एम के बीच के जितने भी पॉइंट हैं वो सब इसमें बिलोंग करेंगे। और इसमें जो बिलोंग करेगा कंटिन्यूटी से, ये आप एक्स माइनस लेमडा लिखे, चाहे उसी को हम लिखते हैं लेमडा से ए माइनस लेमडा लेस देन डेल लिखे, और चाहे इसी को हम कहें कि यह एक्स जो है वो लेमडा माइनस डेल और लेमडा प्लस डेल इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, चाहे ऐसे कहें या ऐसे कहें, दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो यह वैल्यू, तो ये जितने भी एक्स हैं जो इस इंटरवल में हैं, यानी लैम्डा से डेल डिस्टेंस पहले और डेल डिस्टेंस बाद, इसके बीच में जितने एक्स हैं उन सब एक्स का एफ एक्स और माइनस एफ लैम्डा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा राजा। अब यह जो ए एम बी एम है इसके जितने भी पॉइंट होंगे सब इसमें होंगे। तो अब इस ए एम बी एम के जितने भी पॉइंट हैं उनमें से कोई पॉइंट एक्स हमने लिया, यह एक्स, और इस एक्स का एफ इमेज लिया, यह एक्स आपका इस ए एम बी एम का है। अब इसका माड हमने ले लिया, यह एक एक्स नहीं, इस ए एम बी एम के बीच जितने भी पॉइंट हैं उनमें से किसी को आप लें तो उसका एफ इमेज है। अब इसी को यह एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा और प्लस एफ लैम्डा ऐसा हम लिख सकते हैं, माइनस एफ लैम्डा को सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस एफ लैम्डा को ऐड कर दिया। अब यह वैल्यू यह है, इसलिए इतने को एक साथ और इतने को, तो यह ए प्लस बी, तो यह लेस आर इक्वल माडा ए प्लस बी, लेस आर इक्वल माडा पे प्लस माडा, तो यह एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा और प्लस यह एफ लैम्डा इस फॉर्म में आ गया। तो एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा और प्लस एफ लैम्डा, इतने को एक साथ और इसको एक साथ। अब हमने क्या किया, यह एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा से ग्रेटर एप्साइलन है, तो इससे ग्रेटर, तो अभी क्वालिटी खत्म हो जाएगा, तो इससे ग्रेटर एप्साइलन और यह एफ लैम्डा यह दिया गया। तो हमने देखा इस ए एम बी एम के बीच जितने भी एक्स हैं सबका एफ इमेज का मान, यह एक फाइनाइट नंबर है क्योंकि एप्साइलन जो लेते हैं जीरो से ग्रेटर कोई एक वैल्यू, तो ये भी फाइनाइट है। और जो यह लैम्डा है ए एन और बी एन दोनों के जब बीच का जिस पॉइंट पे वो कोइंसाइड किया वही पॉइंट लैम्डा है, तो ये भी हमारा फाइनाइट वैल्यू। तो इस तरह से ये भी फाइनाइट वैल्यू, ये यह और यह एप्साइलन, ये भी फाइनाइट वैल्यू। तो इसका इससे ये एक फाइनाइट वैल्यू आया जिससे हमारा यह इसके बीच के जितने भी एक्स हैं उन सबका एफ इससे लेस आ गया। इट मीन्स यह इसमें बाउंडेड है, क्योंकि बाउंडेड होने के लिए क्या चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू मिलना चाहिए जिससे इसके बीच के सारे एक्स का यह इमेज उससे लेस आ जाए। तो हमने देखा कि यह एफ लैम्डा और यह एप्साइलन, यह एक फाइनाइट वैल्यू और इससे यह लेस, इसका मतलब
इस ए और ये यक्ष है क्या, इस एम और बीएम के बीच के जितने पॉइंट है किसी को ले, तो इसके बीच के जितने भी पॉइंट है सबका ही ऑफ इमेज लिया तो एक फाइनाइट वैल्यू से लेस है, तो जब लेस आया इसका मतलब एफ बाउंडेड हो गया। और किस में ये जिसका यक्ष है तो ये यक्ष इसके बीच का हर पॉइंट कोई हम ले सकते हैं, तो इसके बीच के सभी पॉइंट के सभी एक्स का यफ इमेज एक फाइनाइट वैल्यू से लेस है, तो जो फाइनाइट वैल्यू से लेस है तो यफ जो हो गया वो बाउंडेड हो गया, एफ बाउंडेड हो गया। तो दिस इंप्लाई एफ इज बाउंडेड, बाउंडेड इन एम बीएम, क्योंकि एम बीएम इसके बीच का है और इसके अब इसके बीच का रहेगा, इसके बीच का तो वो पॉइंट इसमें भी आएगा और इसमें जो है उसी की ये वैल्यू है, किसी एक्स का लेस देन एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा, या किसी भी एक्स का एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा एप्सिलॉन नहीं होगा, ये उसी का है जो यह लैम्डा से डेल डिस्टेंस पहले और लैम्डा से डेल डिस्टेंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसी के लिए। तो ये यक्ष जो एम बीएम इस इंटरवल में है इसके अंदर ही है, अंदर है, तो इसके सारे पॉइंट इसमें है और इसमें जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इन सब का ए एप्सिलॉन से लेस आएगा। तब हमने देखा कि इसके बीच के सभी एक्स का एफ एक्स एक फाइनाइट वैल्यू से लेस आ गया, इट मीन्स एफ एक्स फाइनाइट वैल्यू से लेस, तो यह क्योंकि इसके बीच का है तो इस इंटरवल में वो बाउंडेड हो। अब यह हम जब इस एक कैसे मिला, जब यफ को कंटिन्यूस लिया, जब हमने एफ को कंटिन्यूस लिया ए बी में तो ए बी के अंदर हमारा लेमडा है तो लेमडा पर भी कंटिन्यूस, और जब लेमडा पर कंटिन्यूस होगा तो कोई एप्साइलम लेंगे तो इस लेमडा पर एक डेल मिलेगा कि लेमडा से डेल डिस्टेंस पहले और डेल बाद कि जितने यक्स होंगे यानी ऐसे यक्स जिनका लैम्डा से डिस्टेंस डेल से लेस होगा तो उसका ये एफ एक्स और ये एफ लैम्डा इसका डिफरेंस एप्सिलॉन से लेस होगा। तो ये जब कंटिन्यूटी लिया लैम्डा पर तब ऐसा मिला, और जब ये कंडीशन सेटिस्फाई है तब इस एम और बीएम के बीच के पॉइंट इसको सेटिस्फाई किया और ये आया तब यह एफ बाउंडेड हुआ। तो ये एफ बाउंडेड हुआ तब जब यफ को कंटिन्यूस पूरे पॉइंट पर ए बी का लिया। अब आप जो यह एम बी एम कंटिन्यूटी से तो ये आया, लेकिन ए वन बी वन उस पार्ट को कहा गया जिसमें यफ बाउंडेड नहीं हुआ, फिर दो पार्ट किया उसका, और जिसमें बाउंडेड नहीं हुआ उसको ए टू बी टू किया, फिर तीन पार्ट किया ए थ्री बी थ्री उसको कहा जिसमें यफ बाउंडेड नहीं है, इसी तरीके से यन टाइम किया और जिसमें बाउंडेड नहीं हुआ उसको ए एन बी एन किया, फिर उस ए एन बी एन को फिर पार्ट करते करते गए और इतनी बार किया जिसको हमने एम बार कहा कि वो ए एम बी एम जब इसमें आ जाए उसको ए एम बी एम कहा, तो यह ए एम बी एम वो पार्ट है जिसमें यह बाउंडेड नहीं है। तो आप देखो ये कई तरह से दो कंडीशन हमको मिला, जब टोटल ए बी को दो पार्ट में किया जिसमें बाउंडेड नहीं हुआ ए वन बी वन, फिर दो पार्ट किया जिसमें बाउंडेड नहीं हुआ ए टू बी टू, ऐसे ही यम टाइम किया जिसमें बाउंडेड नहीं हुआ ओ एम बी एम। तो ये तो हमको तब मिल रहा है जब हमने सपोज कर लिया कि यफ बाउंडेड नहीं है, तो जब यफ बाउंडेड नहीं है तो जिसमें बाउंडेड नहीं है ओ एम बी एम, एम बार करने के बाद जो इंटरवल मिला वो एम बी एम। लेकिन उसी को जब यफ को क्लोज इंटरवल ए बी में हम कंटिन्यूस ले रहे हैं तो उस कंटिन्यूटी का जब प्रयोग कर रहे हैं तब इस ए एम बी एम में एफ बाउंडेड हो जा रहा है, तो ये कंटिन्यूस है तब तो ये कंडीशन आ रहा है, और यह ए एम बी एम बाउंडेड नहीं है ये क्यों मिल रहा है, जब हमने सपोज कर लिया कि ए बी में कंटिन्यूस है लेकिन यह बाउंडेड नहीं है, तो इसका मतलब हम जब सपोज कर रहे हैं कि यह बाउंडेड नहीं है तो उसी से ए वन बी वन मिला, ए टू बी टू मिला, ए एन बी एन मिला, ए एम बी एम मिला, और यप वो जो बाउंडेड नहीं है उसको हम लेते गए तो ये दिया नहीं है यप इसमें बाउंडेड नहीं है, वो तो हमने सपोज किया एक संभावनाओं पर कि यप यदि हम दिखाना है बाउंडेड, और यदि बाउंडेड नहीं है तो उससे हमको क्या मिल रहा है,
तो जब हमने सपोज कर लिया कि वह बाउंडेड नहीं है, तब एक इंटरवल ए एम बी एफ मिला जिसमें एफ बाउंडेड नहीं हुआ, और जब एफ कॉन्टिन्यूअस है तो उसके अनुसार एफ बाउंडेड हो गया। इट मीन्स कॉन्टिन्यूअस तो क्वेश्चन में दिया गया है, बाउंडेड नहीं है, ये दिया नहीं है तो हमने माना है। इसका मतलब जब एफ कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफिनिटली बाउंडेड होगा। इसका मतलब जो हम ले रहे हैं कि वो एफ ए बी में बाउंडेड नहीं है वो गलत है, क्योंकि उसके मानने से यह ए एम बी एम यम पार्ट में किया तो उसमें बाउंडेड नहीं हुआ, और हम जब उसको कॉन्टिन्यूअस ले लिए तो बाउंड हो गया, इसलिए हमारा ये बाउंडेड। इस तरह से ये जो टोटल थ्योरम है, इस टोटल थ्योरम को एक बार हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, उसकी समरी किन पॉइंट्स को ध्यान में रख करके आप टोटल वर्क करेंगे। तो हम एफ कॉन्टिन्यूअस है सपोज किया, सपोज कर लिया कि एफ बाउंडेड नहीं है, तो जब एफ बाउंडेड नहीं है तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, और दो पार्ट में डिवाइड करने पर ए वन बी वन उस पार्ट को कहा जिसमें एफ बाउंडेड नहीं हुआ। तो ए वन बी वन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। पहला, ए वन बी वन टोटल ए बी का हाफ लेंथ का होगा, और ए वन बी वन के सारे एलिमेंट ए बी में होंगे, और ए वन बी वन उस पार्ट को कहेंगे जिसमें हमारा यह बाउंडेड नहीं होगा। इस तरह से इस प्रोसीजर को दो बार, तीन बार, एन बार हम करते जाएंगे, और जब एन बार करेंगे तो ए एन बी एन जो हुआ उसका लेंथ टोटल लेंथ का 1/2 to the power n ऐसा हो गया। अब जब यह एन इनफाइनाइट करेंगे तो 1/2 to the power जब n बार किया तो लेंथ 1/2 to the power n हुआ, n को इनफाइनाइट किया तो 1/2 to the power इनफाइनाइट दैट इज 0। तो यानी इसके बीच का ए एन बी एन का n पार्ट के बाद इनफाइनाइट टाइम तक करें तब उसके बीच का लेंथ 0 हो जाएगा। तो लेंथ 0 होगा उसका मतलब लोअर और अपर दोनों एंड एक पॉइंट पे कोइंसाइड कर गया, उसको हमने कह दिया लैम्डा। तो जो लैम्डा आया वो लैम्डा अपने के ऊपर के सब में बिलोंग करेगा, तो ए बी में बिलोंग करेगा। जब ए बी में बिलोंग करेगा तो ए बी में यह कंटिन्यूअस है, तो लैम्डा पर भी कंटिन्यूअस होगा, और लैम्डा पर कंटिन्यूअस होगा तो कोई एप्सिलॉन में लेंगे तो उसके लिए डेल मिलेगा, कि ऐसे जितने एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसका एफ एक्स माइनस एफ लैम्डा लेस देन इनफाइनाइट हो गया। ये हम एक पार्ट में इसको करेंगे। फिर दूसरा क्या करेंगे कि जब यह ए एन बी एन इसके बीच का लेंथ 1/2 to the power n है, इसको अब डिवाइड करते जाओ, हाफ करते जाओ, हर बार हाफ कर रहे हैं, तो m बार करने पर यानी इसका लेंथ इतना आ जाए, जब करेंगे तो हाफ हर बार लेंथ होता जा रहा है तो लेंथ छोटा होता जा रहा है, तो जब इसका लेंथ इतना रह जाए कि लैम्डा से डेल डिस्टेंस इधर और लैम्डा से डेल डिस्टेंस इधर इसके बीच में जब आ जाए तब उसको कह दिया ए एम बी एम। तो ए एम बी एम चूंकि ये ए एन बी एन को ही फिर से डिवाइड करते गए तब आया, यानी ये अपने के ऊपर सब में बिलोंग करेगा। अब यह ए एम बी एम आपका इस कंडीशन को सेटिस्फाई किया, और ए एम बी एम वो हुआ जो इसके बीच का आ गया। तो जब इसके बीच का आ गया तो इस कंडीशन के अनुसार इसके बीच जितने एक्स हैं उनका एफ इमेज लिया तो एक फाइनाइट वैल्यू से जैसा गया, इसका मतलब एफ ए एम बी एम में बाउंडेड हो गया। ये बाउंडेड क्यों आया, एफ को कंटिन्यूअस लिया उसकी कंटिन्यूटी के कंडीशन से, और यह ए एम बी एम वो पार्ट हुआ जिसमें एफ बाउंडेड नहीं है। तो एफ बाउंडेड नहीं है एक को मारा है जब हमने एफ को बाउंडेड नहीं है ऐसा मान लिया था, तो अब चूंकि एफ कंटिन्यूअस दिया है इसलिए ये कंडीशन तो डिफिनिट है कि ये होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस दिया गया है और उसके होने से ये मिला। लेकिन ये कॉन्ट्रेडिक्शन क्यों आया, क्योंकि हमने एफ को सपोज कर लिया कि ये बाउंडेड नहीं है, ये दिया नहीं था, हमने सपोज किया कि देखें यदि बाउंडेड नहीं है तो क्या रिजल्ट आ रहा है, तो वो रिजल्ट आ रहा है जो एफ को कंटिन्यूअस होने पर जो हो रहा है उसको कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा है, इसलिए जो हम सपोज किया कि एफ बाउंडेड नहीं होगा वो गलत किया है और एफ उसमें बाउंडेड होगा। इस तरह से कंप्लीट थ्योरम हुआ। एक बार मेरा प्रयास समझाने का रहा, इसको एक बार आप सीरियसली अपने तरफ से करने को सपोज समझ लेंगे।